हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। और पीछे हमारे खड़ी है हुंडई वेन्यू। तो ये हुंडई वेन्यू का सेकंड बेस मॉडल है और आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा शानदार कार है, जब से मार्केट में आई है सेगमेंट में किलर कार है और सारे फीचर्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। साथ ही ओनर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों ली ये कार, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये है हुंडई वेन्यू, जिनकी ये कार है उनको इनवाइट करते हैं। तो स्वागत है मनीष जी हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सर? आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर कब ली थी आपने ये कार? सर ये मैंने दिसंबर 2022 को मैंने बुक करवाई थी जी। पर एक्चुअली क्या है, आपने देखा जाए मलमास लगते हैं जिसको कहते हैं, हिंदुओं के अंदर फेस्टिवल आता है जो, तो उसमें अपन गाड़ी वगैरह नहीं ले सकते है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने जनवरी 15 जनवरी को ये डिलीवरी लिया था। 15 जनवरी को आपको मिल गई थी, तो वेटिंग पीरियड आपको ज्यादा नहीं रहा? वेटिंग पीरियड ज्यादा नहीं था। हाँ। कुछ समय का आ रहा था, बट मेरा फिर एक मंथ तो वैसे वेट हो गया था। ओके ओके। तो ये वेरियंट कौन सा है सर? ये सर वेन्यू एस मॉडल है ना, सेकंड बेस मॉडल आता है ये। तो एक्स शोरूम आपको कितना पड़ा था ये? एक्स शोरूम ये मैंने जयपुर से लिया है जी। एक्चुअली क्या है, मैंने अजमेर से परचेज नहीं किया, आरटीओ अजमेर लिया है मैंने जी जी। क्योंकि मेरे अजमेर और जयपुर में डिफरेंस आ रहा था 30 समथिंग जी, 30K समथिंग मेरा डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो मैंने ये वहाँ पे पड़ गया मेरे 966 का। ओके। ठीक है, इसमें बैक कैमरा नहीं आता है। हाँ। वो उसमें एडजस्ट करा था। अच्छा, आपने इंस्टॉल करवाया? इंस्टॉल करवाया था 966 में। ओके। और इसमें 5 एसेसरीज वगैरह दी थी, मैटिंग वगैरह, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर। ओके। सब इसके अंदर ही आ गया था। बाहर से भी करवाते कोई दिक्कत नहीं, पर एक होंडाई का वो होता है, वही होंडाई से लगवाया, बाहर से भी तो लग जाता कोई दिक्कत ना। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है जी। तो वो अभी हम चेक करेंगे। तो सर ये बताइए, अभी तक आप इसको कितने किलोमीटर चला चुके हैं? अभी तक आप मान के चलिए मेरी 2350 या 2400 समथिंग चल गई गाड़ी। 2350 से 2400 चला लिए बस। मेरा अजमेर से कम रहता है, लोकल ज्यादा, महीने में एक आध बार कोई बाहर हो जाता है, टूर तो हो जाता है। तो फर्स्ट सर्विस हो चुकी होगी इसकी? जी, इसकी अभी फर्स्ट सर्विस हुई है। सर्विसिंग का क्या कॉस्ट रहा इसका? जी मैंने, मुझे थोड़ा अलाइनमेंट का लग रहा था। हाँ। जब मैं गाड़ी लेके आया था तो मुझे अलाइनमेंट का लग रहा था, या फिर रोड का भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। हाँ। फिर भी मुझे लग रहा था, तो मैंने कंपनी से एक फर्स्ट टाइम के लिए फर्स्ट सर्विस पे मैंने इसका अलाइनमेंट सेट करवाया था, जो कि 600 समथिंग का रहा था। अच्छा अच्छा। बस उसके अलावा मेरा चार्जेस कुछ नहीं लगा। ये आपकी पहली कार है? नहीं, इससे पहले मेरे पास वरना थी इससे पहले, ब्लैक कलर के अंदर। अच्छा। वो एक्चुअली के गांव वगैरह जाते थे जी जी, तो सर ग्राउंड क्लियरेंस कम था, तो वो क्या टच होती थी नीचे बार बार। वैसे वो कार भी काफी सही है, उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। वो लुकिंग वगैरह से अच्छी लगती है, लुकिंग वगैरह बहुत शानदार आती है उससे। अगर कोई निकलते हैं ब्लैक कार का तो आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी। ब्लैक कार अगर अपन निकलते हैं देखते, तो अपन भी अगर देखेंगे यार भाई ब्लैक कार जा रही, बहुत अच्छी लग रही है। जी जी जी। और नंबर भी अच्छे थे, मैंने सेकंड हैंड परचेज करी थी। अच्छा। उसके नंबर VIP नंबर थे, 0008 था। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, जब आप कार लेने का मन बना रहे थे जी, तो आपने कोई और भी कार एक्सप्लोर की होगी? एक्चुअली मैं मारुति में देख के आया था। हाँ जी। मारुति के स्विफ्ट देखा है, डिजायर देखा, दोनों देखी थी। ठीक है, बट उसका क्या था, जैसे अपन मारुति में देखते हैं आपको पता है बॉडी वॉडी कितनी हल्की रहती है। हाँ। उसका गेट खोलते तो अपन ऐसा लगता है यार कुछ घर का गेट, बिल्कुल ऐसा हल्का तो लग रहा था। मारुति में तो अभी एक ही कार है जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जो ब्रीजा भी नया वाला आया, बट वो कॉस्टली था, इसलिए तो फिर मैंने बजट के अकॉर्डिंग तो बाहर जा रहा था जी जी। तो इसलिए वेन्यू एस मॉडल मैंने देखा। i20 में ये था कि उसका हाइट वगैरह वही वरना की तरह आ रही थी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल करके वेन्यू, इसमें हमने दो गाड़ी बुक करवाई थी जी, वेन्यू का एस मॉडल ही वाइट कलर ही। ओके। बट कुछ कारणों से दोस्त का नहीं हो पाया, पर मेरा तो फाइनल हो गया था। चलिए बधाई हो सर। थैंक यू। और ये बताइए सर, अभी तक इससे आप लॉन्ग रूट कितना ट्रैवल किया है? कंटिन्यू आप मान के चलिए, मैं अभी जाके आया हूँ उसमें 300 किलोमीटर समथिंग। कंटिन्यू 300 किलोमीटर चले आप? कंटिन्यू। तो कैसा रहा फीडबैक कार का चलने में? इसमें बहुत अच्छा है, चलने में बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें। और रेयर इसका बैठने का भी बहुत अच्छा है, 5 जने आराम से जा सकते हैं इसमें। स्पेस वगैरह पर्याप्त? स्पेस वगैरह बहुत अच्छा है। और जैसे आप कंटिन्यू जा रहे थे, तो ड्राइविंग आपने किया या दो लोग? जी जी, मैंने किया। आपने किया जी? तो थकावट की फील हुई, स्टिफनेस फील हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। और स्पीड में लेने के बाद भी गाड़ी अपने को बता देती है कि 80 से प्लस स्पीड हो जाती है आप।
स्पीड को कम कर लीजिए। हाँ, तो बीप करती होगी, बीप करने लग जाती है। चलिए, ये सेफ्टी के अच्छे फीचर मिल जाते हैं इसमें। हालांकि ये सेकंड बेस मॉडल है, बस इसमें काफी ज्यादा अच्छे फीचर मिल रहे हैं सेफ्टी के हिसाब से। और जो आपका इसका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जी, वो कैसा है ओवरऑल? और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब देखा जाए i20 के मुकाबले, जैसे मैं i20 ले रहा था, तो i20 मेरे पापा को तो ठीक है, बोला अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी गाड़ी भी है, सही है। पर मैंने देखा है i20 मैंने चला के फ्रेंड की मंगवा के मैंने चलाई, देखा, पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सेम वरना वाला लुक आ रहा है जी। और ग्राउंड वगैरह, फिर गाँव वगैरह में जाते हैं, तो फिर मैंने देखा, वेन्यू, फिर मैंने कंपनी में आकर चेक करा अजमेर में ही, फिर देखा वेन्यू बहुत अच्छी लगी, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, इसका हाइट वगैरह, बैठने में, और एक बार इसको सीट पे बैठते तो ऐसा लगता है कि अच्छी गाड़ी में बैठे, विजिबिलिटी अच्छी रहती होगी, बिल्कुल बहुत शानदार लगती है। अच्छा, और जैसे सर इसमें क्या ना, हमें हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलता है जी सर, तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि इसमें LED दे देना चाहिए था प्रोजेक्ट? हाँ, वो तो है ही, बट वो टॉप मॉडल में दे रहे थे, टॉप मॉडल मेरे बजट से बाहर था जी, जी बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। ओके, बट इसमें ठीक है, हेडलाइट वगैरह अच्छी थी, इसकी जगह यहाँ पे फॉग लैंप का और दे देते तो मतलब हाँ, अच्छा रहता इसमें, कटआउट मिल जाता बहुत। बाकी ओवरऑल लुक तो कार का काफी सही आता है। कार का भी न्यू लुक है, आगे से अच्छा है बहुत, इसका जो इंटीरियर वगैरह बहुत शानदार है। हाँ, एक बात तो है, हुंडई वाले जब भी कोई कार लॉन्च करते हैं तो कंटिन्यू चेंजेस करते रहते हैं जी, चाहे वो फेसलिफ्ट मॉडल लाए, चाहे वो अपना पुराना मॉडल लाए, तो उनको कॉपी नहीं करते। इसकी भी ग्रिल देखिए, नई कार है तो ग्रिल भी उन्होंने नहीं दी, बहुत अच्छी लगी इसकी मुझे ग्रिल, और बैक से इसका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था। चलिए एक बार बैक और दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसा है इसका रियर लुक जी सर, और पीछे से भी लुक काफी ज्यादा शानदार रहता है। यहाँ पर पीछे से लुक बहुत अच्छा है इसका, ये देखिए यहाँ पर डिफॉगर भी दिया जा रहा है, और ऊपर शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल की पहचान रहती है, तो ये चीजें इसमें मिल रही है। इसमें जो बैक लाइट का दिया है ना जी, ये लुकिंग के हिसाब से अच्छा दिया है, बहुत अच्छा, बट इसमें एक दिक्कत है, अगर इसमें टॉप मॉडल वाली लाइटिंग दे रहे थे इसमें बैक में तो और भी अच्छा होता क्योंकि ये जो बार दिया जा रहा है जैसा क्रेटा में या वर्ना में है, तो इसमें भी अगर जलने वाला दे देते, हालांकि और भी लोग अच्छा रखा है, तो बहुत अच्छी लगती है कार की, शानदार लगता है, मे भी थोड़ा सा प्राइस भी हाइक कर जाते हैं। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं यहाँ जी, और रियर में कैमरा मिल जाता है, आपने बताया ये इंस्टॉल करवाया है खुद ने लगाया, चलिए तो ये सारी चीजें इसमें मिलती है। और टायर वगैरह कैसे है इसके? टायर वगैरह गाड़ी की लुकिंग से देखा जाए, गाड़ी के बॉडी वगैरह के हिसाब से देखा तो 15 इंच के टायर इसमें दिए, तो वो काफी सही लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे 15 इंच के टायर, इस गाड़ी के हिसाब से कंफर्टेबल है बहुत, गाड़ी के हिसाब से देखा जाए, इसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए ना तो काफी सही, तो 15 इंच के बहुत अच्छे, बहुत सही है। और सर आपने वेन्यू एक्सप्लोर की जी, उसके पहले टाटा वगैरह की कोई कार नहीं देखी, जैसे नेक्सॉन आती है, टाटा की नेक्सॉन देखी थी सर, बट नेक्सॉन में आपको पता ही है क्या बिल्ड क्वालिटी अच्छी है उसमें, टाटा की तो आपको पता है बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी जी जी, बट उसमें यही है, जैसे भी मेरे है एक फ्रेंड वगैरह के पास है, बट वो बोलते हैं 2-3 साल बाद थोड़ी टाटा की गाड़ी इंजन वगैरह से आवाज ज्यादा करने लग जाती है। अच्छा, इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा कम रह जाता है। बाकी ये तो 4 सिलेंडर कार है, इसका तो साउंड आपको फील ही नहीं होता, फील नहीं होता बिल्कुल, पेट्रोल वेरिएंट है, केबिन साउंड बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। चलिए एक बार करने के बैक में, मतलब अंदर बैठेंगे ना अपन तो पता नहीं चलेगा इसमें। चलिए एक बार चलते हैं अंदर इंटीरियर और देखते हैं इसका। ये आपने जो इसमें बाहर से काम करवाया है, कंपनी से एसेसरीज जो इंस्टॉल करवाई है, वो क्या क्या है सर? इसमें एक तो देखिए स्टीयरिंग कवर है, ठीक है, एक ये सीट कवर है, एक ये अपने मैट हो गई और मट प्लाई है। अच्छा, ये एक यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ठीक है, एक दो और ये शेड्स भी आपने इंस्टॉल करवाए होंगे जी, ये मैंने खुद ने लगवाए, ये देख सकते हैं, ये चीजें सर ने एज एसेसरी इंस्टॉल करवाई है जी। चलिए एक बार बैठ कर देखते हैं और फिर फील लेते हैं क्या है। आप बैठिए, नहीं आप इधर आइए, मैं उधर से जाता हूँ। कार के इंटीरियर में आ गए हैं, और ये इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले काफी बिग साइज का है, और टच रिस्पॉन्स इसका बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसमें कोई शिकायत इसके मीटर कंट्रोल में? नहीं, मीटर वगैरह में कुछ भी शिकायत नहीं है, डिस्प्ले में नहीं, कोई इसमें भी कोई शिकायत नहीं, टच रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा है इसका, टच वगैरह बहुत अच्छा है इसका। बाकी ये इसका हैंडल देखिए, तो इसमें सारे यहाँ पे कंट्रोल दिए जा रहे हैं, टेलीफोनिक के हैं और वॉइस कंट्रोल हैं और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हैं। उधर साइड ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें सर क्या क्या चीज़ें मिलती है एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी सर, जी सर किलोमीटर वगैरह बताता, गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है और टाइमिंग वगैरह, फ्यूल कितना अपने को एवरेज वगैरह कितना, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। इसके सेटिंग्स में फीचर्स है इसके। अच्छा, ये थीम भी चेंज कर पाएंगे जी।
ये अपने प्रेशर वगैरह टायर वगैरह का टायर प्रेशर कितना है, 36 है, 38 है, जो भी है वो बता देता है। काफी सही चीजें मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है हुंडई का जो मीटर क्लस्टर रहता है काफी जानदार रहता है, इनकी थीम वगैरह बहुत ही लाजवाब रहती है। बाकी इसमें 81 BHP की पावर मिलती है और 113 Nm का टॉर्क मिलता है आई थिंक, तो पावर फिगर तो काफी सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पिकअप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। और पेट्रोल की गाड़ी में तो वैसे भी दिक्कत, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। बाकी डैशबोर्ड की विजिबिलिटी देखिए काफी अच्छी रहती है एकदम। और रियर में अगर लुक देखिए तो कुछ इतना स्पेस मिलता है, रियर में भी काफी कंफर्टेबल है मामला। बाकी यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया जा रहा है, उसके नीचे स्टोरेज भी मिल जाता है, तो काफी सही चीज है। इंटीरियर में आपको कोई शिकायत? इंटर में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, जैसे बैक लाइट में दिया है ये लाइट, ओके। ये अगर इसको फ्रंट में दे देते यहाँ पे ऊपर की तरफ तो काफी अच्छा होता। जी जी जी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सीट कंफर्टेबल, सीट वगैरह सब कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है सीट, सीट एडजस्टेबल है, मैनुअली है। अच्छा मैनुअली है, हाइट भी एडजस्ट होती है? हाइट एडजस्टेबल नहीं होती इसमें, ये एस मॉडल है, इसमें नहीं होती, टॉप मॉडल में होती है, टॉप मॉडल में होती है। बाकी इंटीरियर का लुक देख ही लिया है आपने तो काफी सही है, एक बार बूट स्पेस और चेक कर देते। और जिस किसी को भी साउंड सुनना हो इसका तो आप इंस्टा पे फॉलो कर देना, वहाँ पे आपको रील मिल जाएगी। तो चलिए रियर साइड में चलते हैं, अभी हम इसके रियर साइड में आ चुके हैं और चेक करेंगे इसका बूट स्पेस। तो ये देखिए सामान भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस हमें मिल जाता है, एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या मेरे कपड़े का काम है तो मुझे बूट स्पेस काफ़ी अच्छा चाहिए था। हाँ। और इसमें एक फ़ायदा है बूट स्पेस के लिए अपने, जैसे ये तो है जी, ठीक है, इसकी जो सीट है बैक वाली, ओके, वो ये तो ये पूरी एक साथ फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो ये देखिए कितना स्पेस अब मिल रहा है, काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी सामान को कैरी करने में, अगर दो लोग ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत ही बहुत ज्यादा। माइलेज आपको कितना मिलता है इसमें, कितने का एवरेज दे देती है ये? सर माइलेज अभी इसका मैंने, जैसे मैं अभी लॉन्ग रूट पे गया था 300 किलोमीटर समथिंग चलाया था जी, तो इसमें जो इसका मीटर वगैरह है जी वो बता रहा था इसमें 22 जी बता रहा था, बट ये है मैंने अगर नोट करा तो 20 तो निकाला ये, मतलब हाईवे पे। अच्छा अच्छा 20 निकाल देती है? हाँ 20 निकाल देती है, और वैसे सिटी में चलाते तो 14-15 मिल जाता है जी। बाकी आपने इसमें रियर कैमरा इंस्टॉल करवाया एक बार, तो अभी हम चेक करेंगे रियर कैमरा की विजिबिलिटी कैसी है इसकी। तो अभी हम कार के अंदर है और ये देखिए ये हुंडई का ओरिजिनल कैमरा है, ओरिजिनल कैमरा, और देख सकते हैं अभी दिन ढल चुका है ऑलमोस्ट, ये देखिए बाहर का लुक कैसा है, दिन ढलने को है और फिर भी देखिए कितनी अच्छी क्लियरिटी है। और इंफोग्राफिक डिस्प्ले के साथ आती है, बाकी इसमें सेटिंग वगैरह है तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीज़ें भी आप एडजस्ट कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छी थीम है, रियर कैमरा भी काफ़ी सही क्लियरिटी दिखा देता है। सर ये बताइए हमारा कोई दर्शक है अगर वो कार लेना चाह रहा है और उसका बजट 10 लाख तक का है जी, तो आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे उसको? मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे दिमाग में आती है दो ही कार आपके माइंड जी, एक तो वेन्यू एस मॉडल आता है जी, वेन्यू में एस मॉडल आता है, एक ब्रिजा आती है जो LXi VXi जो भी होता है उसमें जी, तो ये दो गाड़ी जो है जो 10 लाख के अंदर बजट के अंदर अच्छी खासी आ जाती है। ओके तो सर ये बताइए कि अगर ये कार का ऑप्शन अवेलेबल ना होता जी, सपोज वेन्यू ना होती तो आप कौन सी कार लेते? फिर मारुति ब्रिजा का देखता मैं, ब्रिजा देखते जी बिल्कुल। चलिए अच्छी चॉइस है, वो भी काफी सही चॉइस है। तो दोस्तों ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू हुंडई वेन्यू के लेके, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी टाइम निकाल के आपने। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।